मित्रों जय श्री राम, जय जय हनुमान, हर हर महादेव। मित्रों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरु के द्वारा बताया गया बहुत अचूक और रामवान उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु जी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों सनातन धर्म में कई सारे ऐसे नियमों का वर्णन मिलता है, जिनका पालन या तो सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इन नियमों के पालन से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। इसी क्रम में अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। मित्रों गोधूली बेला में दीपक जलाने से की तरह के लाभ हैं। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं, जानिए इस उपाय के बारे में। मित्रों आगे बढ़ाने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। मित्रों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि नियमित रूप से शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाए तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका उस घर में आगमन होता है, जिसके चलते मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में नियमित रूप से मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाया जाता है, उस घर के सदस्यों की कुंडली में मौजूद राहु का दुष्प्रभाव कम हो सकता है, घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार बढ़ जाता है। मित्रों प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जिस घर में नियमित रूप से शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव नहीं होता, सकारात्मक ऊर्जा बढ़कर घर के माहौल को खुशनुमा बनाती है। घर में जब भी आप दीपक जलाते होंगे, शायद ही आपको पता हो कि घी और तेल का दीपक अलग अलग तरीके से जलाया जाता है। जी हाँ, घी का दीपक हमेशा अपने बाएं हाथ की ओर जलाएं और तेल का दीपक हमेशा अपने दाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। याद रखें, एक बार जब दीपक जल जाए तो तब तक न बुझे जब तक उसमें घी या तेल हो। वहीं यदि पूजा में दीपक जला रहे तो दीपक हमेशा ईश्वर के सामने जलाना चाहिए। मित्रों घी के दीपक में हमेशा सफेद रुई का प्रयोग करना होता है, जबकि तेल के दीपक में लाल धागे की बत्ती या रक्षा धागा प्रयोग करना चाहिए। मित्रों कहा जाता है जहां नियमित रूप से मुख्य द्वार पर दिया जलाते हैं उस घर में दरिद्रता नहीं होती, सुख समृद्धि बनी रहती है और रोग कष्ट से मुक्ति मिलती है। मित्रों वैज्ञानिकों के अनुसार नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है, वहां किसी तरह के हानिकारक कीट पतंगे नहीं आते। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक हमेशा दाहिनी तरफ रखना शुभ माना जाता है। मित्रों ये दीपक आप घी या तेल किसी का भी लगा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में दीपक की लौ नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक की लौ होने से धन हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए भूलकर भी इस दिशा की ओर दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर होना शुभ होता है। इस दिशा में दीपक जलाने से जातक लंबी उम्र पाता है।
वास्तु के हिसाब से पश्चिम दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक की लौ इस ओर रखने से हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। मान्यता है अगर मित्रों आपको किसी भी तरह का दुख है तो इस दिशा की ओर लौ करके दीपक जलाएं। उत्तर दिशा में भी दीपक की लौ होना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में दीपक के लौ होने पर धन लाभ होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन उसके अनुसार परिणाम नहीं पाते, यही कारण फिर व्यक्ति की चिंता का कारण बनते हैं। आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं हमारे मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ देती हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार इस सभी समस्याओं का हल हमारे पास है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ उपाय हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। घर के सामने पानी का छिड़काव करना साफ सफाई और शुद्धता के लिहाज से वैसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वास्तु के लिहाज से भी इसके कई फायदे हैं। तो आइए आपको बताते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने पानी छिड़काव करने के फायदों के बारे में। वैसे तो घर में सुख और समृद्धि आए इसके लिए हम काफी उपाय करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन पानी के इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे काफी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफी महत्व। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में खुशियां आती हैं। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी हल्दी मिला ले तो ज्यादा लाभ होता है। आज की इस भागदौड़ की लाइफ में स्टाइल के चक्कर में लोग घर के मुख्य दरवाजे पर देहरी नहीं बनवाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार आपको देहरी जरूर बनानी चाहिए। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर देहरी को धोने से उन्नति होती है। दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और आसपास का माहौल साफ होता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। यदि आपके घर में देहरी नहीं हो तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।